रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं भैया। अबे रुक जाओ, हमको कैमरा फेस करने में थोड़ी दिक्कत है हमारी। और अब तो 6 महीने हो गए हैं, और जैसे कि हम फ्रेम चेक कर पा रहे हैं, हम पूरे नज़र आ रहे हैं, हमारे चेहरा नज़र आ रहा है स्पेशली। और भाई जब तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारी और ही फटती है फिर कैमरा फेस करने में, और हमको तो 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हुए हैं ना भाई? जी भैया। हाँ 6 महीने ही हुए हैं। चलो छोड़ो, पर बताओ बोलें क्या? अरे भैया वो कहते नहीं है मन की बात करो। ऐसा है, अब इतना ही तुम बता दिए तो आओ यहाँ बैठो और फिर समझाओ इन लोगों को क्या क्या सीन है, क्या क्या नहीं है, क्या बोलना है तुम ही बताओ इनको। और सुनो, हाँ पहले तो शर्ट पहन के आना, और दूसरी चीज़ समिट के बैठना, हमसे एडिटिंग इतनी अच्छी होगी नहीं। ठीक है, आओ जल्दी आओ। आ गए, थोड़ा सिमट के बैठो, थोड़ा दूर तो दूर आ गए ना, ताकि दिक्कत ना हो एडिटिंग में। तो कहाँ शुरू करना है कि क्या करना क्या नहीं करना, हमें नहीं पता क्या होगा, अब ये भी हम बताएं। तो भैया जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम 6 महीने बाद कैमरा फेस कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन हमें अंदर से चुल मच रही होती है कि नहीं कुछ अलग ही शूट करना है, तो उसमें हमने ये रिकॉर्ड किया। अब बात करते हैं मुद्दे की कि अब हम 6 महीने बाद क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है, हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तुम्हारी भी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी भी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारा भी पैशन है एक, तुम्हारा भी पैशन है एक। अब 9 से 5 के बीच में हमारा प्रोफेशन ख़त्म होने के बाद हमारा पैशन चालू होता है 6 बजे से, जो कि हमें और तुम्हें जोड़ता है। पहले शौक से तो तुम हमारे रूबरू हो ही चुके होगे, वो है जिम, और जो दूसरा शौक है हमारा वो है वीडियो क्रिएट करने का। और जैसे कि तुम देख सकते हो हमने पानी पीते पीते तुम्हें सारी कहानी बता दी है, तो बाकी की कहानी भी अब आगे तुम जान ही जाओगे। तो भाई हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, एक गिलास गर्म पानी से, और बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं क्योंकि हमने लोगों को देखा है 1-1 लीटर तक पीते हुए, भाई वो हमसे नहीं हो पाता है। सुबह सुबह हम 1 गिलास पी लेते हैं क्योंकि मम्मी ने वो आदत डाल दी है, और वो काफ़ी हेल्दी भी है, वो हमारे लिए चाय की तरह काम करता है एक तरीके से प्रेशर बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये जो तुम्हें अभी सूरज नज़र आ रहा है, ये सुबह नहीं था, आज सुबह हम ट्राई किए थे कुछ टाइम लैप्स लेने के लिए, लेकिन भाई सूरज के आगे इतने सारे पहरेदार लगे थे आज, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो डस्ट मान के चलो या फॉग मान के चलो, कुछ भी मान के चलो, बादल मान के चलो, भाई एक शॉट नहीं आया, वो बस रात से सीधे सीधे एकदम सुबह, कोई सनराइज वाला सीन ही नहीं था। लेकिन सनसेट का हम ट्राई करेंगे, अगर मिलता है शॉट तो ठीक है, तुम देखोगे आगे। सारा काम हमारा 1 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाता है हर हाल में। आज फिर भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वीडियो वगैरह बना रहे हैं, अदरवाइज हमारा हार्डली 1 घंटा लगता है पूरा सब कुछ बनाने में और प्रिपेयर करने में, स्पेशली चाहे वो लंच हो चाहे वो अपना ब्रेकफास्ट हो, ये 2 मील हम 1 घंटे के अंदर पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो भाई जो तुम्हें अभी हमें रखते हुए देखा वो है हमारा ब्रेकफास्ट, या फिर कह सकते हो हमारे पूरे दिन की पहली मील, और हमें लगता है कि ये हमारी शायद सबसे बड़ी मील है मैक्रोस वाइज, और बहुत ज़्यादा बैलेंस है। तो इसमें क्या क्या है, तो देखो इसमें है ये दलिया, ओट से हम बोर हो गए थे तो हमने स्विच किया था दलिया पे, और उसमें है ये 1.5 स्कूप वे प्रोटीन, इसमें 1 है पूरा फ्लेवर, 1/2 है रॉ वे प्रोटीन, क्योंकि भाई बजट भी मेंटेन करना पड़ता है। तो वापस आते हैं, इधर है हमारे पास 4 स्लाइसेस ब्रेड की पीनट बटर के साथ, और हाँ ये है हमारे 4 अंडे जिसमें सिर्फ एग वाइट्स रहेंगी। तो काफी सिंपल है, काफी क्विकली हम बना लेते हैं इसको और बिना दिक्कत के। भाई तुम्हारा तो पता नहीं पर ये मोमेंट ऐसा होता है जिम जाने से 1 घंटे पहले वाला, जब हम जोन अपना क्रिएट कर रहे होते हैं, वो जो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट रहती है जिम जाने की, वो भाई शायद ही शब्दों में बयान की जा सकती है। तो भाई देखो इसमें कुछ गलत नहीं कुछ सही नहीं है, लेकिन हम सर्दियों में हमेशा लेयर्स पहन के जाते हैं ताकि हम ज़्यादा स्वेट कर सकें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी कैलोरीज बर्न वगैरह पे, लेकिन जो तुम्हारा मेंटली इफेक्ट जो रहता है कि तुम ज़्यादा पसीना जब बहाते हो तो तुम ज़्यादा खुद को पुश कर पाते हो। और वो कुर्सी हमारी रखी हुई है जिसपे सारे कपड़े रखे जाते हैं फर्जी के। और लेयर्स की बात करें तो हम ट्राई करते हैं कुछ ऐसा थिक पहनने की ताकि
अंदर की हीट अंदर ही रहे, ट्रैप रहे, जिससे हम ज्यादा स्वेट करेंगे। अब सीधे मिलते हैं वर्कआउट के टाइम। तो भाइयों, आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। और शुरू वाला पार्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड था, जिसमें बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं बाय द टाइम हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी ये। तो अगली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो।